हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक विद एक न्यू टॉपिक, टाइम पास से टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, अक्सर आज भी लोग कहते रहते हैं कि फाइनल पता है टाइम कैसे पास हो जाता है, पता नहीं चलता। अब फ्रेंड्स, आज के सिनेरियो में भी अगर आपका टाइम पास हो जाता है, यानी दिन पर चला जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आपने प्रोडक्टिवली क्या किया, अगर आप एक बिजनेसमैन हो आपने कितनी लीड्स जनरेट की, अगर आप स्टूडेंट हो आपने कितनी पढ़ाई की, राइट? तो इन दैट सिचुएशन आई एम वरिड कि ऐसा आपके साथ होना चाहिए नहीं, एंड इसीलिए आपको हेल्प करता हुआ मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपके साथ प्रैक्टिकली कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपने नॉर्मली कोई वीडियो में नहीं देखी। यानी मैं जो मेरी लाइफ में एम्प्लॉय करता हूं एंड टाइम मैनेजमेंट करता हूं, प्लस मैंने कुछ बुक्स में से लेके ये वीडियो को कंपाइल किया, सो एकदम प्रैक्टिकल प्लस रियलिस्टिक दोनों चीजों को मर्ज करता हुआ यह वीडियो होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो कोई प्रोफेशनल हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई वर्क फ्रॉम होम करता हो, कोई स्टूडेंट हो, किसी को भी हेल्पफुल हो सकता है अपनी अपनी लाइफ के अंदर। एंड फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उसके पहले, अगर अभी तक आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप यहां देख रहे हो राइट, उसके ऊपर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो, जिससे ऐसे ही अच्छे वीडियो जो मैं लाता रहता हूं वो आपको मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब लोग डीमोटिवेट होते हैं कि यार पता नहीं हमारा टाइम कैसे चला जाता है, उसके पीछे का रीजन है कि हम टाइम प्लान नहीं करते। अब कुछ लोग प्लान ही नहीं करते तो पूरे दिन का प्लान करते हैं, फाइन। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप पूरे दिन का प्लान करो, पर उस प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। मीन्स हैव अ स्लॉट, मान लो मैंने 2 घंटे का एक स्लॉट लिया, तो अगर सुबह 8 से 10 का स्लॉट है मेरा, तो मेरे पास पूरे दिन का प्लान तो जरूर होना चाहिए, पर उस 8 से 10 में मैं क्या 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 करूंगा, कौन सी 10 एक्टिविटी करूंगा, वो मेरे पास एक पेपर पे या डायरी में लिखी होनी चाहिए। एंड वो स्लॉट का मेरा पर्पस क्या है, ये पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, फैमिली टाइम हो सकता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, स्टडी टाइम हो सकता है, राइट, बिजनेस टाइम हो सकता है। तो उसके मुताबिक आपने मान लो 2 घंटे सुबह 8 से 10 2 घंटे के लिए 10 एक्टिविटीज डिफाइन की, पर दैट इज मोर योर स्टडी टाइम, तो आप उनमें से जो स्टडी रिलेटेड एक्टिविटी उसे पहले प्रायोरिटी दोगे एंड वो कंप्लीट हो फिर ही आप बाकी एक्टिविटीज के लिए आओगे। एंड फ्रेंड्स, आप जब 2 घंटे का स्केड्यूलिंग करते हो तो अचीवेबल टास्क रखो। अब कई बार क्या होता है, डीमोटिवेट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज हम 2 घंटे के अंदर जो जितने काम 4 घंटे में करने होते उतने 2 घंटे में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, हमें सक्सेस नहीं मिलता और उसके कारण वी गेट डीमोटिवेट। ऐसा होना चाहिए नहीं, तो मेरे मुताबिक एक क्लैरिटी होनी आपकी बहुत जरूरी है। अगर आप अगले दिन रात को 10 मिनट या 1/2 घंटा स्पेंड करते हो नेक्स्ट डे को प्लान करने के लिए, बेस्ट। एंड अगर वो ना हो पाए तो दिन का सुबह की शुरुआत आप प्लानिंग से करो, आपका पूरा दिन प्लान जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, के इफ यू प्लान आउट द थिंग विच डिस्टर्ब्स यू राइट इज डिस्ट्रैक्शंस। अब फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन के कारण डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब डिस्ट्रैक्शंस को आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि हम नेगेटिव सिचुएशंस को हमारी लाइफ में से अवॉइड कर सकते हैं, नहीं। नेगेटिव सिचुएशंस है इसलिए नेगेटिविटी है, जब नेगेटिव सिचुएशन ना हो वही पॉजिटिविटी कहलाती है। तो वैसे डिस्ट्रैक्शंस को हम कभी डिलीट नहीं कर सकते, पर डिस्ट्रैक्शंस को हम डील कर सकते हैं। कैसे, वापी मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक या वैसे। How we deal with distractions? तो दो प्रकार से डील कर सकते हो। एक, जो चीजें आप दूर रख पाओ उसे दूर रखो, राइट, अवॉइड बाय डिस्टेंस। जैसे मोबाइल आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है तो मोबाइल को कोई और रूम में रख दो, राइट। पर कुछ चीजें डिसेबल कर दो, जैसे कुछ लोगों के लिए राइट मोबाइल ही चाहिए बिकॉज दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो तब आप क्या कर सकते हो, उस मोबाइल के अंदर अननेसेसरी चीजों को आप डिसेबल कर दो टेम्पररी, एंड साथ में एक डायरी या एक पेपर रखो, राइट। एंड जब आप आपका मेन काम कर रहे हो तब कोई भी एक्स्ट्रा विचार आता जाता है, कीप ऑन डंपिंग ऑन डायरी, डोंट कीप इन योर माइंड एंड डोंट स्टार्ट डूइंग दैट। मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब मुझे याद आ रहा है मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये और एक पढ़ना है, मुझे ये सीरीज देखनी है, मुझे ये वीडियो देखना है, डंप ऑन डायरी, सब कुछ डायरी में डाल। इससे जब आपको टाइम मिलता है तब आप वो सारी चीजें बाद में कर पाओगे, कोई भी चीज अननोटिस जाएगी। तो एक डिस्ट्रैक्शन के साथ डील करना सीख जाओ व्हेन यू आर डूइंग योर टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट कम्स
आप काफी बार डीमोटिवेट हो जाते हो दिन में, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए, देन उसके लिए आपको मोटिवेट कैसे हो सकते हो, तो आप थोड़े थोड़े समय मेडिटेशन करो, गो फॉर अ स्मॉल वॉक, प्ले म्यूजिक, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर मेंटर, इससे आपका डीमोटिवेशन दूर होता जाएगा, राइट, एंड आप दिन के लिए चार्ज्ड हो जाओगे। प्लस फ्रेंड्स, पूरे दिन एनर्जेटिक रहने के लिए ब्रेक्स लेने जरूरी है, ब्रेकफास्ट की बात नहीं रहा, ब्रेक्स टू बी फास्ट, राइट, यानी मान लो आपने दिन में, आपको दिन में 12 घंटे काम करना है, राइट, तो आपने दो दो घंटे के 6 स्लॉट्स बनाए, अब ये दो स्लॉट के बीच में थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, एंड ये ब्रेक में आप क्या करो, आपके जो डिस्ट्रेक्शन है उसे मैनेज करो, जो आपको आपने डायरी में लिख के रखा था उसे मैनेज करो, रिज्यूविनेट हो, यानी ऐसी चीजें करो जिससे आप एनर्जेटिक हो, राइट, एंड नो एनर्जी ड्रेनर्स, यानी आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, तो तब जाके क्रिकेट मत खेलो, बिकॉज इट विल ड्रेन अवे योर एनर्जी, नॉर्मली आपका स्पोर्ट्स टाइम हो तब वो करो, तो इस तरीके से आप ब्रेक्स लो दो स्लॉट के बीच में, जिससे आपका टाइम मैनेज होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू शुड डू फॉलो, जैसे आज मैंने पूरा प्लानिंग किया था, तो दिन खत्म होने जब आए तो मुझे एनालाइज करना चाहिए, ट्रैक रखना चाहिए कि भाई कितना हुआ कितना नहीं हुआ, एनालाइज करो, आज जहां जहां टाइम वेस्ट हो उसके ऊपर वर्कआउट करके नेक्स्ट डे उसको ध्यान में रखो, यानी नेक्स्ट डे का जो प्लान होगा वो आप री इंजीनियर कर दोगे, वैसे ही आप अपने प्लान को रीप्लान री इंजीनियर करते करते आप ग्रो होते जाओगे, इवोल्व होते जाओगे, समझते जाओगे, और आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका टाइम कहां वेस्ट हुआ। कई बार क्या होता है पता है फ्रेंड्स, हमने प्लान बनाया नहीं होता, फॉलोअप करते नहीं, इसलिए हमें ऐसा लगता है ओ यार मेरा तो पूरा दिन वेस्ट हो गया, पर आखिरकार आपने वेस्ट नहीं किया होता, आपने काम तो किया होता पर आपको पता नहीं होता, पर एट द एंड ऑफ द डे इफ यू फॉलो अप देन इंस्टेड ऑफ डीमोटिवेशन यू विल गेट मोटिवेटेड। कई बार हम फॉलोअप जब करते हैं इसके कारण हमें बेनिफिट क्या मिलता है, आज की जो इंपॉर्टेंट चीज अगर रह गई हो तो हम कल उसे शिफ्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप 70% या उससे ज्यादा टास्क अचीव कर लेते हो, 100% इज काइंड ऑफ मिथ, पर अगर आप 70% टास्क अचीव कर देते हो तो अपने आपको कोई भी तरीके से रिवॉर्ड दो, अगर आप 70% भी अचीव नहीं कर सकते हो तो अपने आपको छोटी 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 पनिशमेंट देना सीखो, यानी ट्राई टू अवॉइड सम थिंग्स, कुछ आपको बहुत पसंद है तो एक दिन मत खाओ पियो ऐसे करके, बिकॉज दिस रिवॉर्ड एंड पनिश सिस्टम इज बेस्ड विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये अगर आप करते जाओगे तो दिन ब दिन आपकी हैबिट्स सुधरती जाए। एंड फ्रेंड्स, ये पूरे टाइम मैनेजमेंट में या एक जर्नी फ्रॉम टाइम पास टू टाइम मैनेजमेंट में एक चीज जो आपको बहुत हेल्प करती होगी, क्या फ्रेंड्स आप मुझे बता सकते हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत हेल्प करती है? कोई सोच रहा होगा सर अलार्म, कोई सोच रहा होगा क्लॉक, कोई सोच रहा होगा सर आपको यूनिक टेक्निक बताएंगे, नहीं फ्रेंड्स, वो है डायरी, दैट इज दिस डायरी, कोई भी डायरी विल हेल्प योर लॉट एनी, राइट, इस डायरी इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, डायरी इज द बेस ऑफ एवरीथिंग फ्रेंड्स। एंड अगर फ्रेंड्स कई बार आपके पास डायरी ना हो तो छोटा सा एक पैड, ये एक छोटा सा पेपर भी, हर रोज का एक पेपर, दैट कैन ऑल्सो हेल्प योर लॉट, बिलीव मी फ्रेंड्स, डायरी इज द बेस नॉट ओनली फॉर सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट बट फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, इसलिए डायरी बनाना शुरू करो। बिकॉज फ्रेंड्स आप ये भी वीडियो देखो तो इसकी शुरुआत से लेकर इसका अंत के सारे स्टेप्स जो है वो डायरी के ऊपर बेस्ड है, क्लैरिटी डायरी में लिख के आ सकती है, फॉलोअप डायरी मेंटेन क्योंकि तो ही आएगा, डिस्ट्रेक्शन को डील करने के लिए बेस्ट इज डंप टू डायरी, डंप टू डायरी, दैट कैन बी पॉसिबल एवरीवेयर, डायरी इज द बेस। सो दिस इज वन मोर टिप जो मैं फॉलो करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसे फॉलो करें। एंड फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैसे टाइम पास से टाइम मैनेजमेंट की ओर आगे बढ़े उसके बारे में देखा, एंड खास करके अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी एग्जाम डिले होती जा रही है तो उसके अंदर तो ये वीडियो खास उनको हेल्प कर सकता है कि कैसे वो अपने पूरे दिन को क्या करें, मैनेज करें। सो वी स्टार्टेड विद, हमने देखा कि क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर फॉलोअप लेना चाहिए रेगुलरली, डील विद योर डिस्ट्रैक्शन, जब डीमोटिवेटेड हो तो मोटिवेट हो जाओ, ब्रेक्स लिया करो, फिर फॉलोअप लो, उसके बाद फॉलोअप के बेसिस पे पनिश या रिवॉर्ड करो, यानी पूरे वीडियो का आधार स्तंभ ये पूरे वीडियो में जो कुछ भी बताया गया, दैट ऑल थिंग्स यू कैन डू ओनली एंड ओनली यू आर मेंटेनिंग अ टाइम। सो फ्रेंड्स, होप दिस वीडियो बिकम्स हेल्पफुल टू यू। एंड फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसी चैनल के ऊपर काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियोज है जो आप देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ भी पास ऑन कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जनरल वीडियोज है। एंड फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब
कर लेना। मोर और फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू कनेक्टिंग फर्स्ट टाइम टू मी, तो आई एम इन ऑलमोस्ट ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिंक्डइन, ट्विटर ऑल्सो, सो प्लीज यू कैन कनेक्ट मी। आप कोई भी जगह पे जस्ट फेनल स्पार्क कर सर्च करो एंड विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। सो फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग फ्रॉम माई साइड, आई एम सी एफ फेनल शाह साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड ये वीडियो खाली देखने से कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ये वीडियो को आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक इसका वैल्यू आपको मिलेगा नहीं। स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस, राइट। एंड इसके अलावा आप अगर कोई भी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ और अच्छी चीज करते हो तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट, आई विल रीड इट एंड आई कैन शेयर इट विद अदर्स इफ इट इज वन ऑफ द गुड थिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सी एफ एनर्शिया साइनिंग ऑफ। सी यू सर। थैंक यू।